हेलो एवरीवन, आज मैं करूँगी इनका रीयूज़। ये है वेस्ट पड़ी प्लाईवुड, तो इसका रीयूज़ करते हुए मैं बनाऊँगी इसकी हैंगिंग शेल्फ्स। तो इसके लिए मैंने ये 3 पीस लिए हैं। एक्चुअली मैं 2 पीसेस का यूज़ करूँगी, और चाहें तो 2 शेल्फ बना सकते हैं, 3 शेल्फ बना सकते हैं। और इसके कॉर्नर पर मैंने 4 साइड होल कर दिए हैं, ताकि हम इसके अंदर से थ्रेड को इंसर्ट करके और इसका हैंगिंग बना सके। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो ये इसके एजेस शार्प नज़र आ रहे हैं, इनको स्मूथ करने के लिए इसके ऊपर लगा दूंगी टेक्सचर पेस्ट। तो इसको लगाकर इसको स्मूथ कर लेंगे, जहाँ पर भी नीड हो वहाँ पर इसको लगा देंगे और इसके एजेस को स्मूथ कर लेंगे, और फिर इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर टेक्सचर पेस्ट लगा दिया है और अभी अच्छे से सूख गया है। अब इसके ऊपर कर देंगे सैंडिंग। सैंडिंग कर देने से अगर कुछ अनइवन एरिया है तो वो भी स्मूथ और इवन हो जाएगा। अब इसके ऊपर करेंगे हम कलर। तो कलर करने के लिए मेरे पास है वॉल पेंट रेड कलर का, तो यही कलर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे पीछे अच्छे से इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देंगे दोनों पीसेस के ऊपर, और फिर इसे भी अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, इन दोनों पे कलर कर दिया है और अच्छे से सूख चुका है। अब इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी। और यहाँ पर साइड साइड में हम कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। तो वाइट कलर से इसके ऊपर इस तरह से ट्रायंगल के निशान का डिज़ाइन बना देंगे और इसको फिल कर देंगे। जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने इसे सिंपल बनाया है एकदम। इस तरह से करते जाएंगे, दोनों पे इसी तरह का डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए, इन दोनों के ऊपर मैंने बाउंड्री बना दी है और ये अब कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको हैंग करने के लिए यहाँ पर जो होल किए हैं इसके अंदर थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने थ्रेड ले लिया है और इस थ्रेड का भी को भी जुगाड़ से निकाला है मैंने। जैसे कि मैंने इसको लोअर के अंदर से निकाल लिया और इसको हैंग करने का एक जुगाड़ बनाया है। तो इसको मैं इसके अंदर से निकाल कर बैक साइड में इसके इस तरह से गांठ लगा देंगे। इस तरह से गांठ लगा देंगे इसको अच्छे से मजबूती से। ये देखिए, मैंने 3-4 गांठ लगा के इसको अच्छे से मजबूती दे दी है, ताकि ये इधर से खिंचाव पड़े तो भी इसके अंदर से निकले नहीं। तो इसके बाद हम इस दूसरे वाले को भी इसके अंदर से निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अंदाजे से इतने स्पेस छोड़कर हम यहाँ पर भी गांठ लगा लेंगे, ताकि जब हम दूसरा ये वाला डालेंगे तो इसके अंदर से ये निकल ना सके और इसको सपोर्ट मिल जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको अच्छे से नोट लगा देती हूँ, और अब मैं कर दूंगी उसको भी इसके अंदर इंसर्ट और अच्छे से, ताकि यहाँ पर होल्ड हो सके।
अब इसको इसके अंदर से निकाल देंगे। इस तरह से यहाँ पर होल्ड हो गया है अब ये। अब इसको वापस इसके अंदर से यहाँ से निकालेंगे। और ऊपर हैंग करने के लिए इतना यहाँ छोड़ देंगे ताकि ये इस तरह से, अब दूसरी साइड से भी नॉट लगा देंगे इतना स्पेस छोड़कर। इसी तरह से जैसे मैंने इस साइड लगाया है, दूसरी साइड यहाँ पर भी हम नीचे और ऊपर लगाकर इस तरह से इसको हैंग करने के लिए रेडी कर देंगे। ये देखिए हमारा हैंगिंग शेल्फ रेडी हो गया है और इसके अंदर मैंने लगा दिए हैं शो पीसेस। चाहें तो शो पीसेस रख सकते हैं या फिर ओरिजिनल प्लांट्स भी रख सकते हैं इसके ऊपर। देखिए कितना प्यारा एक हमारा हैंगिंग शेल्फ बनकर रेडी हो गया है। इसे आप किसी भी जगह पे, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और प्यारा सा एक हैंगिंग शेल्फ बनकर रेडी हुआ है। अब ये जो एक और मेरे पास प्लाईवुड पीस था, इसके ऊपर भी मैंने सबसे पहले लगा दिया टेक्सचर पेस्ट और इसे अच्छे से सूखने दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ड्रॉ किया है पेंसिल से। अब इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने लिया है ये वॉल पुट्टी का डो। मैंने डो प्रिपेयर कर लिया है और अब इससे थोड़ा थोड़ा डो लेने के बाद इस डिज़ाइन को हम फिल करेंगे। जैसा डिज़ाइन मैंने बनाया है वैसा ही इस डो की हेल्प से हम बना लेंगे और इसके ऊपर लगाते जाएंगे और पूरे डिज़ाइन को इस वॉल पुट्टी से कवर कर देंगे। ये फ्लावर बना दिया और इस तरह से शेप्स बनाते जाएंगे और इसके नीचे थोड़ी सी फेविकोल लगाकर इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे फेविकोल। इसी तरह से पूरा फ्लावर और ये पूरा डिज़ाइन हम बनाते जाएंगे। ये स्ट्रिप बनाने के लिए इस तरह से इसके ऊपर हम एक स्ट्रिप रेडी कर लेंगे पतली सी और इसे हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। इसके ऊपर भी लगाऊंगी फेविकोल और इस डिज़ाइन के ऊपर ऊपर ये स्ट्रिप को हम लगाते जाएंगे। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे ग्लू लगाते हुए पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर रही हूँ, बाकी जो डिज़ाइन बचा है इसको भी हम इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए पूरा डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर बना दिया है। अब जो ये स्पेस बचा है यहाँ पर हम कुछ कोई भी नेम लिखेंगे, तो मैंने पेंसिल से नेम लिख दिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे पहले फेविकोल और इसके ऊपर भी वॉल पुट्टी की लंबी सी स्ट्रिप कट करके इसको यहाँ पर चिपका देंगे और पूरे नाम को हम इसी तरह से फिल कर लेंगे पूरा। ये लगा दी फेविकोल, आप इसके ऊपर लगा देंगे ये एक स्ट्रिप।
इसी तरह से ये थोड़ी ब्रश की हेल्प से, ब्रश की बैक साइड से हम इसकी थोड़ी गुलाई अच्छे से करके इसको फिनिश करते जाएंगे। देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर रेडी हो रहा है। इसी तरह से और स्टिप बनाकर इन दोनों नेम को हम पूरा इसकी डो की स्ट्रिप से पूरा फिल करते जाएंगे। ये देखिए सभी कुछ मैंने वॉल पुट्टी के डो से उसके ऊपर लिख दिया है और ये पूरा रेडी कर लिया है। और इसकी बैक साइड में मैंने यहाँ पर वायर लगा दिया और इसके पीछे वॉल पुट्टी का डो लगाकर इसे अच्छे से सूखने दिया और ये काफ़ी मजबूत हो चुका है, इसे हम हैंग कर पाएंगे। तो अब इसके ऊपर करेंगे कलर। तो इसके चाहें तो इसको कलरफुल बना सकते हैं, अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर करूँगी ब्लैक कलर इसे एंटीक लुक देने के लिए। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम ब्लैक कलर कर देंगे। ये देखिए पूरे के ऊपर मैंने कलर कर दिया है ब्लैक कलर। अब हम इसके ऊपर गोल्डन कलर से थोड़ी शेडिंग देंगे। तो मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ इस फोम शीट के ऊपर, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा कलर ही लगाना है, ब्रश से करेंगे तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा कलर लेंगे और फिंगर टिप से इसके ऊपर हल्की हल्की शेडिंग देंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए पूरे डिज़ाइन पर और जो नेम लिखे हैं उसके ऊपर शेडिंग देते जाएंगे और इसको पूरा फिल कर लेंगे। कितना प्यारा लग रहा है अब ये शेडिंग करने के बाद। ये देखिए इस तरह से पूरा डिज़ाइन और नेम पे मैंने गोल्डन कलर से शेडिंग कर दी है और कितना प्यारा सा ये बनकर रेडी हो गया है। वो भी एक वेस्ट बड़ी चीज़ से हमने इतना सुंदर नेम प्लेट बना दिया। अगर मेरा ये आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।